जब अक्षरा को आएगा पैनिक अटैक तो क्या करेगा अभिमन्यु। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग एपिसोड में अभिनव अक्षरा के सामने अपनी दिल की बात बोलने वाला है। इसके अलावा सीरियल में अक्षरा की तबीयत भी खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से अभिमन्यु भी परेशान होने वाला है। तो चलिए बताते हैं सीरियल के आने वाले ट्रैक में और क्या क्या होने वाला है। भाई, स्टार प्लस का हिट टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों काफी सारा इमोशनल ड्रामा चल रहा है। सीरियल में प्रणाली राठौड़ और हर्षद चोपड़ा अपनी एक्टिंग से फैंस का दिल जीत रहे हैं। दोनों अक्षरा और अभिमन्यु के किरदार में दिखाई दे रहे हैं। सीरियल के बीते एपिसोड में देखने को मिला था कि अभिमन्यु और अक्षरा एक शादी में एक साथ थे, लेकिन दोनों अनजानों की तरह बिहेव कर रहे थे। इसी बीच अभिनव सबका दिल भी जीत रहा था, लेकिन कहानी में अभी जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है। आइए आपको बताते हैं कि भाई क्या क्या होगा जिससे अभिमन्यु जो है वो अक्षरा के लिए परेशान हो जाएगा। दोस्तों, अक्षरा को पैनिक अटैक की बीमारी है जिसका इलाज अभिमन्यु के पास था। सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अक्षरा को एक बार फिर से पैनिक अटैक आता है, जिस वजह से अभिमन्यु काफी परेशान हो जाएगा और वो अक्षरा को गाना गाने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं मानती है। इसी वजह से वो पानी लेने भागता है। तब तक वहाँ पर अभीर पहुँच जाता है और वो अपनी माँ को एक धुन सुनाता है, जिससे अक्षरा की हालत सुधर जाती है। ये चीज देखकर अभिमन्यु भी थोड़ा शांत सा हो जाता है। वहीं सीरियल में अभिनव काफी टाइम से अपने दिल की बात अक्षरा को बताने की कोशिश कर रहा है और आने वाले ट्रैक में वो उसमें सक्सेस भी हो जाएगा, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट आएगा। कहानी में आगे देखने को मिलेगा कि शादी में सब अभिनव से उसकी अक्षरा की लव स्टोरी के बारे में पूछेंगे, तब वो सबको एक कहानी सुनाएगा। अभिनव कहेगा कि उसने सबसे पहले अक्षरा की आवाज सुनी थी, जिसके बाद उन्होंने एक दिन अक्षु को प्रपोज कर दिया और फिर ऐसे ही जिंदगी में उनके लाइफ में अभीर भी आ गया। हालांकि अभिनव सबको एक झूठी कहानी सुनाता है जिस पर सब विश्वास कर लेते हैं, लेकिन अक्षरा उठकर चली जाती है। दूसरी तरफ अभिमन्यु भी परेशान सा हो जाता है। साथ ही सीरियल में देखने को मिलेगा कि अक्षरा परेशान होकर अभिमन्यु पर भी भड़क उठेगी। वहीं अभी से कहेगी कि जिस अक्षरा को आपने अपनी लाइफ से निकाल दिया था, अब उससे दूर रहिए। हालांकि अगले ही दिन अभिनव का एक गंदा एक्सीडेंट हो जाएगा, जिसके लिए वो अभिमन्यु को फोन करेगी। अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अभिमन्यु अक्षरा की मदद करने के लिए आएगा और जब उसको ये पता चलेगा कि एक्सीडेंट अभिनव का हुआ है, तो क्या सच में अभिमन्यु जो है वो आकर अक्षरा की हेल्प करने वाला है। पर देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि बार बार जो अक्षरा अभिमन्यु की मुलाकात हो रही है, तो क्या सच में ये दोनों एक हो पाएंगे। पर आपका क्या कहना है कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी लाइक कर दें।